श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जय साईराम। तो फ्रेंड्स, पहले हमने सीखा कैसे एक नया प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो प्रोजेक्ट आपने किया है, मान लीजिए ऑडियो नंबर ट्रैक में आप यहाँ से यहाँ तक एक ऑडियो रिकॉर्ड किया और उसका फाइल ऐसा हुआ, दो नंबर ट्रैक पे आप यहाँ से इतना एक ऑडियो फाइल रिकॉर्ड किया ऐसे हुआ, तीन नंबर ट्रैक पे ऐसा कुछ आपने किया है। ये जो मैंने बना रहा हूँ ये सभी फॉल्स एक ऑडियो क्लिप बना रहा हूँ। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, मतलब जैसे आप उसको मतलब रिकॉर्ड करेंगे, तो यहाँ पे आपको वेव फाइल दिखाई देगा और ये सब ट्रैक्स का जो सम्मिलित जो पावर है, ये पावर आपको मास्टर से सुनाई देंगे। उसको आप चाहे यहाँ से आप कम ज़्यादा बैलेंस भी कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस बैलेंस कर सकते हैं। पैन जिसका स्टीरियो है, जो ट्रैक स्टीरियो ट्रैक है, इसको आप यहाँ से पैन भी कर सकते हैं इस तरह से। और जितने सारे प्लगइन्स यहाँ पे देना है आप प्लगइन्स भी दे सकते हैं, कोई भी एक प्लगइन्स आप देना चाहते हैं तो प्लगइन्स आप दे सकते हैं यहाँ पे। तो मान लीजिए बहुत सारे प्लगइन्स यहाँ पे आप दे रखा है, तो ये जो प्रोजेक्ट आपने बनाया है, ये कोई एक गाना का प्रोजेक्ट आपने बनाया है, उसको कैसे सेव करेंगे? वेरी सिंपल, जब भी आपको ये सेव करना है तो आपको कंट्रोल प्लस एस दबाना है। जैसे आप कंट्रोल प्लस एस दबाएंगे तो वो सेव हो जाएगा, और सेव होने के साथ साथ कहाँ पे सेव होगा? जहाँ पे अपने पाथ रखा था। हम लोगों ने क्या किया था, डेस्कटॉप में इसका पाथ को रूटिंग किया था, तो इसको मिनिमाइज कीजिए। तो डेस्कटॉप में आपको ये देखिए सॉन्ग नंबर 1A जो है, सॉन्ग नंबर 1A जो है यहाँ पे देखिए ना, आपको सॉन्ग ए बोल के PTX फाइल आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, बाकी सब फोल्डर्स दिखाई देंगे जहाँ पे आपका ऑडियोज वगैरह है, बाउंस फॉर क्लिप्स है, क्लिप ग्रुप्स है, जो जो आपने यहाँ पे तैयार किया है सब के सब यहाँ पे सेव हो जाएंगे। तो आप ध्यान से ये जो PTX फाइल है और ऑडियो फाइल्स जो है, ये दोनों फाइल्स को लेकिन आप छेड़िए मत, क्योंकि एक PTX फाइल के अंदर आपका सेशन का जो सेशन आपने यहाँ पर खोला है सब कुछ रहता है, मतलब प्रोड्यूस का जो सेशन सेटिंग्स जो है सब कुछ रहता है, और जो जो ऑडियो आपने क्लियर रिकॉर्ड किया है सबके सब ऑडियो फाइल्स यहाँ पर सेव हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी प्रोजेक्ट जो आपने किया है उस प्रोजेक्ट को आप सेव कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।